यो गाइस व्हाट्सअप। तो भाई वीवो ने अपना लॉन्च कर दिया है वीवो S1 आज इंडिया के अंदर 7 तारीख को। तो आज इस वीडियो में अंदर आप लोगों में सारे का सारा खुलासा कर दूंगा इस फोन के बारे में कि क्या ये फोन जबरदस्त है, क्या है इसके अंदर बढ़िया बढ़िया माल और क्या ये फोन आप लोगों के लेने लायक है या नहीं। एंड यार ये फोन मेरे पास थोड़े दिन पहले आ गया था तो मैंने इसको पूरे अच्छी तरीके से टेस्ट कर लिया है और मैं आप लोगों को अपना पूरा ओपिनियन बताऊंगा कि ये फोन कैसा है और आप लोगों का इस फोन का एक फर्स्ट लुक दिखाऊंगा। और साथ ही यार अभी मेरे पास ये फोन चला गया है वीवो ले गए, लेकिन भाई जब भी मेरे पास था मैंने इसके अंदर काफी तगड़ी तगड़ी चीजें जो है ट्राई करी और आप लोगों को पूरा ऐसे बताऊंगा कि ये फोन कितना बढ़िया है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज से जो कि प्राइस है। अभी मुझे पता नहीं है तो उसको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नीचे चेक कर लेना आप लोगों को प्राइस पता चली गया होगा। लेकिन इसका जो प्राइस है मुझे लगता है 10 से लेके 11-12 के बीच में ही रहेगा यार। उससे ऊपर जाएंगे तो हमें Vivo Z1 Pro देखने को मिल जाता है, जो मेरी अजम्पशन है 10 के अराउंड ही है इसकी, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए इसका प्राइस। तो गाइस आप लोगों को इस फोन के दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं जो कि होंगे एक 4128 वाला और एक होगा 6128GB वाला। तो यहाँ पे दो मॉडल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे स्मार्टफोन के। तो ओवरऑल यार मैं स्टार्ट करता हूँ पहले इस फोन की डिस्प्ले, तो डिस्प्ले उसके अंदर आप लोगों को वाटर ड्रॉप नॉइज़ देखने को मिल जाती है और जो डिस्प्ले यार काफ़ी मेरे को वाइब्रेंट लगी क्योंकि ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगाई गई है इस फोन के अंदर। तो बेसिकली जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पंची आते हैं और साइज से जो डिस्प्ले का साइज़ है वो 6.38 का है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा रियल एस्टेट मिल जाता है। और साइज फोन जब मैंने हाथ में उठाया तो यार थोड़ा प्लास्टिक वाला है ये, लेकिन जो फोन का वेट है वो 170 ग्राम्स का, तो फोन काफ़ी ज़्यादा लाइट लग रहा था मुझे हाथ के अंदर, मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगा काफ़ी भारी फोन है। एंड गाइस वीवो के हर स्मार्टफोन मैंने यूज़ करे हैं लेकिन सब फोन के अंदर यार मेरे को उनका सॉफ्टवेयर जो है ना बिल्कुल भी पसंद आता, पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन वीवो को अपने सॉफ्टवेयर पर यार काम करना चाहिए, वो काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है दे शुड लाइक somehow work on their software, क्योंकि Vivo S1 के अंदर जब मैंने ये जो सॉफ्टवेयर यूज़ कराया यार इनका मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एंड ओवरऑल यार मेरे को इतनी अच्छी थीम भी नहीं लगती है इनके ओवरऑल UI की। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना कि Vivo आपको इतना अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं देता है, UI भी इतनी ज़्यादा खास नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को लैग और बग्स देखने को मिल जाएंगे आने वाले कुछ टाइम के अंदर। तो गाइस आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग एक्साइटेड होंगे इस फोन के अंदर CPU कौन सा देखने को मिलता है। तो भाई इसके अंदर MediaTek का Helio P65 प्रोसेसर है। ओवरऑल यार मैं बोलूँगा कि जो प्रोसेसर है काफ़ी सही है, ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और यहाँ पे आप लोगों को जो लाइक ओवरऑल स्पीड मिलती है फोन के अंदर सही मिलती है, बट नॉट कि आप लोगों को काफ़ी बढ़िया मिलेगी क्योंकि यार इसी प्राइस के अंदर हमें और भी स्मार्टफोन मिल जाते हैं इससे थोड़े बहुत अच्छे। बट ओवरऑल मैं बोलूँगा इन सभी की जो परफॉर्मेंस होगी इन स्मार्टफोन की लाइक Helio P65 हो गया, Snapdragon 660 हो गया, 665 हो गया और इन सब की मतलब हल्का फुल्का डिफरेंस, लेकिन Helio P65 इतना ज़्यादा मेरे को सही लगा लेकिन कुछ ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगा। अब शायद ये हो सकता है कि जो फ़ोन का सॉफ्टवेयर है यार वो उस तरीके से ऑप्टिमाइज़ नहीं करा गया, क्योंकि CPU कितना भले ही पावरफुल हो अगर उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर चल रहा हो बिल्कुल अगर बकवास है तो यार जो फ़ोन की ओवरऑल स्पीड है उसके अंदर फ़र्क आता है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ नोटिस हुई मेरे को क्योंकि सॉफ्टवेयर मैंने आप लोगों को जैसे स्टार्टिंग में बताया इतना ज़्यादा खास नहीं लगा। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा जो वीवो के अंदर फ़ोन के अंदर ये जो चल रहा है शायद मेरे को हल्का फुल्का बग्स देखने को मिल रहे थे फोन के अंदर, हल्का फुल्का स्टटर, तो मुझे ऐसा लगा शायद वो सॉफ्टवेयर के वजह से हो सकता है। लेकिन P65 भी काफ़ी कैपेबल प्रोसेसर है और मैंने इसके अंदर PUBG टेस्ट करी थी, तो PUBG जो है इसके अंदर आप लोगों को HD सेटिंग्स पे आराम से चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती और अगर आपके लोगों के पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तो आप लोगों के फोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी PUBG को चलाने के अंदर। बाकी यार जो कलर मेरे पास इस फोन का आया था वो था एक ब्लूइश कलर और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये कलर जो था ब्लूइश डायमंड वाला कलर था और काफ़ी ज़्यादा यूनिक था ये कलर क्योंकि इसके अंदर अलग से पैटर्न बन रहे थे पीछे जब मैं इसको लाइट से रिफ्लेक्ट कर रहा था और ये आपने Vivo की S1 की एड में भी देखा होगा। साथ ही साथ आपको जो कैमरा रिंग देखने को मिलता है वो गोल्डन कलर का देखने को मिलता है, तो ब्लू कलर का फोन है गोल्डन कलर का रिंग है, तो जो कलर है वो काफी ज्यादा एक्सेंट दे रहे हैं एक दूसरे को और काफी ज्यादा प्रीमियम लगते हैं वो देखने में। साथ ही यहाँ पे पीछे की साइड में आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाते हैं जो कि है 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का एक और कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। एंड जो सामने की तरफ में आपको कैमरा मिलता है वो है 32 मेगापिक्सल का, तो भाई कैमरा वाइज जो है इस फोन के अंदर आप लोग कोई शिकायत नहीं होने वाली, कैमराज की जो फोटोज होंगी काफी ज्यादा बढ़िया आने वाली है। ओवरऑल मैं यही बोलूंगा जो फोन है यार ये Vivo S1 कैमरा के मामले में बिल्कुल बढ़िया रहने वाला है और ये फोन मेजरली 3 बार बोल रहा हूं ये जो फोन है बेसिकली कैमरा फोकस्ड फोन निकाला है Vivo ने इस क्राइटेरिया और इस प्राइस के अंदर। जहां तक मुझे अभी तक लग रहा है उन्होंने इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया लेकिन उन्होंने जो लाइक जिस चीज़ पे ध्यान दिया वो है उनकी कैमरा परफॉर्मेंस। तो इस फोन के अंदर आपको जो फोटोज मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और Vivo के मैंने हर एक स्मार्टफोन के लिए बोला है कि जो Vivo है वो अपने लाइक फोटोज के ऊपर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। बाकी ओवरऑल गाइज ये जो स्मार्टफोन है ये एक डिसेंट सा स्मार्टफोन है, बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन है, तो इससे आप लोग हाई एक्सपेक्टेशन मत रखना, ये आप लोगों को जो भी चीज़ें देगा वो लाइक बजट सेगमेंट वाली
बड़ी ही होंगी जैसे इसके अंदर। लेकिन एक दो चीज जो अच्छी मिलती है वो ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है आप लोगों को इस फोन के अंदर। सर जो बैटरी है वो 4500 मिली एम्पियर की है, तो आप लोगों को जो बैटरी लाइफ है वो भी काफी ज्यादा अच्छी मिलने वाली है इस फोन के साथ। एमोलेड डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलती है इस फोन के अंदर, साथ साथ अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है इस फोन के अंदर। मतलब अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर में शायद भूल ही आता है चीज बताना, लेकिन ये फोन अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है जो कि काफी बड़ी बात है यार। तो मुझे तो लगता है यार ये फोन का प्राइस, अब मैं यार गेस तो 10-11-12 ही कर रहा था, लेकिन अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की वजह से मुझे लगता है फोन थोड़ा हायर रेट का हो सकता है। बट यार फिर हमारे पास Vivo Z1 Pro भी है, क्योंकि यार वो फोन एक मेरे को ज्यादा अच्छा लगा इसके मुकाबले, क्योंकि वो आप लोगों को ज़्यादा एक अच्छा मैं कह सकता हूँ प्रोसेसर देता है, 712 है उसके अंदर, ओवरऑल दिखने में काफ़ी अच्छा, और वो मेरे को सच में यार Vivo Z1 को इससे कंपैरिजन में ज़्यादा पसंद आया। बट आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है Vivo S1 के बारे में। ये था मेरा कुछ फर्स्ट लुक अबाउट दिस फोन, ओवरऑल मैं कहूँगा ये फोन काफ़ी अच्छा है। और आप लोगों को क्या क्या वीडियो चाहिए मेरे को जल्दी से जल्दी बता दो, क्योंकि फोन मेरे पास आ जाएगा अभी थोड़े दिन के अंदर, तो उसके ऊपर मैं दोबारा से बना दूंगा। हालांकि यार इस वीडियो के अंदर इतना ही, अगर आप लोगों को पसंद आई इस वीडियो तो बड़ा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।